नमस्कार प्रणाम, लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आज हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। जी हां, मैं बताऊंगी कि यहां पे हमारे साथ बैठी हुई हैं भोजपुरी की सुपरस्टार काजल राघवानी हैं। परिचय की मोहताज नहीं है, हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गुजरात से सफ़र शुरू हुआ उनका और गुजरात से लेकर भोजपुरी में धमाल मचाते हुए पहुँच चुकी हैं छत्तीसगढ़ी में धमाल मचाने। काजल जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सबको भी मेरा प्रणाम और थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। भोजपुरी से एंट्री मारी है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो स्टार्ट है, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। जितना प्यार आपने मुझे वहाँ पे दिया है, उस इंडस्ट्री में दिया है जहाँ मैं वर्क करती हूँ, और उतना ही प्यार मुझे इस इंडस्ट्री में भी मिले, और इतना ही प्यार जितना मैं उन आप सबके दिलों में राज करती हूँ, उतना ही यहाँ के लोगों के दिलों में भी राज करूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये फिल्म भोजपुरी में भी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में लॉन्च हो रही है। भोजपुरी तो खैर आप पहले भी कर चुकी हैं, बहुत आसान रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी कैसा रहेगा? अभी तो मुझे इतना लैंग्वेज से मैं इतनी वो नहीं हूँ, यूज़ टू नहीं हूँ, और मैंने इतनी सुनी भी नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी और मैं शूट के पहले मैं कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी, और कई लोग हैं हमारे यहाँ जो मुझे सिखा भी देंगे, तो मैं थोड़ा बहुत तो सीख ही लूँगी। और स्टार्ट में तो प्रॉब्लम हो गई, जब मैं भोजपुरी कर रही थी तभी भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, सो देखते हैं, लेकिन हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे हम। गुजराती में थी तो भोजपुरी में फिर आने का प्लान कहाँ से शुरू हुआ? मैं थोड़ा सा इंट्रो मतलब स्टार्टिंग जानना चाहूँगी आपको। गुजराती में मैं जब वर्क करती थी तब मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स थे, जो कलीग्स थे मेरे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप भोजपुरी करिए, आप मतलब अच्छी करती है, अच्छा उनका, क्योंकि उनका था कॉन्टेक्ट भोजपुरी में, तो मेरे फ्रेंड के थ्रू ही हुआ। सो बस हुआ वो हुआ, और आज बस यहीं पे हूँ और 10 साल से यहीं पे कर जा रही हूँ वर्क, तो इतना प्यार मिल रहा है सबका। मैम एक सवाल करना चाहूँगी, सवाल थोड़ा करवा होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पाया जाता है नॉर्मली कि लड़कियों को मतलब हीरो से पहचान होती है लड़कियों की, छत्तीसगढ़ी में आकर क्या वैसा माहौल दिख रहा है या उससे अलग? इस इंडस्ट्री के बारे में मैं ज़्यादातर नहीं जानती हूँ, बट मैंने सुना है यहाँ पे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हर आर्टिस्ट की यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट होती है, और बस मैं चाहूँगी कि बस उतनी ही रिस्पेक्ट मुझे भी मिले इस इंडस्ट्री में, और मैं उस चीज़ के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। इस फिल्म में दो और रोल है जो मगैया जवान के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रोल है जिसको लेकर भोजपुरी में बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहता है। क्या लगता है उनके साथ काम करके कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, उन लोगों से मैं मिली हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं वो, और हमारे इंडस्ट्री से वल्गर चीज़ें हटाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मुहिम छेड़ी है एक, तो मैं तो चाहूँगी वो हमेशा वैसे ही बरकरार रहे, और खुशी हो रही है वो लोग जिस मुकाम पे हैं अभी और जो मेहनत वो लोग कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही लगे रहे। मैम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग उनको मतलब गलत बोलते हैं, बाइकट करना भी चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो भोजपुरी के लिए अपने तह से अच्छे काम करने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो भोजपुरी को लेकर सवाल उठाते हैं और खासकर अश्लीलता? और जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं उसको बाइकआउट करने के लिए सब पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ बुरी चीज़ें होती है वहाँ सब उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं, सो ये चीज़ें होती है, तो अच्छी चीज़ों के लिए अच्छे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे खड़ा रहने के लिए, और बुरे लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहीं इसके बाद आपको भी कुछ स्ट्रगल झेलना पड़ सकता है, आप तैयार हैं उसके लिए? स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ, झेलना क्या पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मगहिया जवान जो फिल्म में आ रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर बिहार में तहलका मचा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रगल हम लोग जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन, बिना स्ट्रगल के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, और स्ट्रगल हमें हर स्टेप पे मिलेगा, हर स्टेप्स हमें बहुत ही सोच समझ के रखने हैं, और लोग खींचना चाहेंगे वो खींचते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है और हमारी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, और भगवान है, माँ बाप का आशीर्वाद है, तो कोई आगे जाने से नहीं रोक सकता। ये फुल फिल्म जो है इस कयामत ये दोनों भाषाओं में लॉन्च होगी, इस फिल्म की किस टाइप का थोड़ा सा जिक्र करेंगे, कैसा रहेगा, क्या भोजपुरी की तरह ये फिल्म रहेगी या इससे कुछ अलग रहेगा? जैसे कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पे दो इंडस्ट्री के लोग जुड़ रहे हैं, तो कुछ नया होगा और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी दोनों लैंग्वेजेस मिलके हम लोग कोशिश करेंगे कुछ अच्छा बने,
तो देखते हैं। अच्छा मैम, इतने दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, अब तो खैर गुजराती छत्तीसगढ़ी सब हो चुकी हैं, मैं चाहूँगी कि न्यू लड़कियाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री लड़कियों के लिए अनसेफ होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, हमसे बेहतर आप जान रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो नई है इस सेक्टर में और जो इसमें अपना फ्यूचर देख रही? नहीं, बस मैं कहूँगी हार्डवर्क करिए और मेहनत करके आइए और पूरे सपोर्ट के साथ आइए, बिकॉज बिना सपोर्ट के यहाँ पे बहुत मुश्किल है स्ट्रगल करना, तो अगर कोई सपोर्ट है आपके पीछे तो आइए, अदरवाइज़ यहाँ पे मुश्किलें बहुत होगी, लेकिन कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं काम के लिए, मेहनत करिए, मेहनत ज़रूर रंग लाती है। इसके बाद फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारने का कोई चांस फिर नया कोई मूवी वगैरह आ रहा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मतलब फिर से इसके बाद नेक्स्ट मूवी भोजपुरी में कौन सा नया? बहुत सारी फिल्में आ रही है, बस अभी कोरोना चल रहा है इसलिए थिएटर्स का कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहा है, तो बहुत सारे वेटिंग पे मूवीज़ हैं और अभी शूट भी करके आई हूँ बहुत सारी, तो अभी जा भी रही हूँ, कल से ही मेरा शूट है बनारस में, तो अब यहाँ पे मुहूर्त था तो इसलिए आई हूँ और कल बनारस निकलना है मुझे, फिर कल शूट है मेरा। नेक्स्ट जोड़ी किन के साथ देखा जाएगा काजल जी? अभी मैं जा रही हूँ रितेश पांडे जी के साथ करने, और बहुत सारे लोग हैं सबके साथ कर रही हूँ, चिंटू जी है, बहुत सारे, पवन जी है, सबके साथ कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कोई भोजपुरी का एक प्यारा सा डायलॉग अब सुनाए। अभी हम ना सुनाए चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं भोजपुरी की सुपरस्टार काजल राघवानी, अभी छत्तीसगढ़ में एंट्री कर चुकी हैं, धमाकेदार फिल्म इनका आने वाला है इस कयामत, जो कि यहाँ के सुपरस्टार मन कुरैसी जी के साथ है। इनसे बात करके मैंने बहुत सारी दिलचस्प बातें की, आगे देखना है क्या नेक्स्ट धमाका आता है, नेक्स्ट धमाका के लिए और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बने रहिए हमारे साथ।